Hello students, today our topic will be variational problem with moving boundary. Here we will talk about the problems जहाँ पर हमारा या तो एक पॉइंट फिक्स हो सकता है, दूसरा वेरी कर सकता है, या फिर दोनों के दोनों पॉइंट वेरी कर सकते हैं ओवर द कर्व्स. ओके, ओवर द गिवन कर्व्स. सो फर्स्ट केस वी विल डिस्कस ओवर हियर, जहाँ पर हमारा वन पॉइंट फिक्स होगा और अनदर पॉइंट वेरी करेगा. सो वट विल बी द स्टेटमेंट फॉर दिस? We assume that let y is the extremum of the functional this iy x1 to x2 of f dx, where x1 is fixed. यहाँ पर एक पॉइंट फिक्स है और जो x1 पर वैल्यू है y की वो क्या है हमारी a. जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा वेरी कर रहे हैं. सो दूसरा पॉइंट मान लीजिए x2 एंड y एट x2 है, विच इज लाइंग ओवर द कर्व gx. ठीक है, तो कहने का मीनिंग है y की वैल्यू अगर मैं x2 पर निकालूँ वो क्या होगी, g ऑफ x2 होगी. ओके, देन दिस y, जो इसका मतलब सॉल्यूशन जो इसे एक्सट्रीमाइज करेगा 1 को, दिस y विल सेटिस्फाई द आइलर इक्वेशन, दिस वन, एंड दिस f प्लस जी डैस माइनस वाई डैस कल एफ बाई कल वाई डैस एट x2 दैट विल बी इक्वल टू 0. ओके, तो एक ये कंडीशन और मिलेगी हमें. तो कहने का मीनिंग है किसी एक पॉइंट अगर मेरा फिक्स है और दूसरा पॉइंट वेरी है, तो हमें किसी फंक्शन का एक्सट्रीमाइज निकालने के लिए वो एक्सट्रीमाइज कब होगा, जब आइलर इक्वेशन सेटिस्फाई करे और एक ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन बोलते हैं. ओके, इन द अनदर वर्ड्स इसी स्टेटमेंट को हम रीराइट करके ये बोल सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई where x1 is fixed, जहाँ पर x1 पर वैल्यू है y की a, and x2 is variable, which is lying over the curve gx, such that y at x2 is gx2. Okay, so let us talk about this proof. Okay, तो इसके लिए condition क्या है, कि कहने का मीनिंग है इसका एक्सट्रीमाइज निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों condition होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए. तो यही वाला प्रूफ हम करने के लिए जा रहे हैं. सो जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल द गिवन फंक्शनल इज दिस, आई ऑफ वाई इज इक्वल टू x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स. ओके, वी एज्यूम लेट वाई बी द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई, वेयर वाई एट x1 इज ए, जहाँ पर हमारा x1 फिक्स था और जो x2 है अनदर पॉइंट विच इज वेरिंग ओवर द कर्व gx. Let eta x be any other arbitrary continuous function. Okay, and we assume yx which changing to yx plus epsilon eta x, which satisfies the same boundary condition as satisfying by the y. मतलब y x1 पर जो मेरी value दे रहा है वो a1 दे रहा है, a दे रहा है, तो वही y plus epsilon eta मेरी x1 पर value क्या देगा, a देगा. और जो x2 पर वैल्यू हमारी gx से निकलेगी, वही इसकी भी वैल्यू x2 पर gx से निकलेगी. ओके, वो मतलब सेम वैल्यू देगा. सो ये कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं. नाउ वी नो दैट नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर y, कि अगर हमें किसी फंक्शन को एक्सट्रीमाइज करना है तो उसके लिए हमारी नेसेसरी कंडीशन क्या थी, कि डेल्टा ऑफ i शुड बी इक्वल टू 0. ओके, सो आई टेक दैट डेल्टा ऑफ i विल बी इक्वल टू 0. सो वट इज i हियर, डेल्टा ऑफ x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स विल बी इक्वल टू 0. ओके, नाउ वी अप्लाई द अगेन लिबनिज रूल. सो क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है, सो एक पॉइंट वेरी कर रहा है, सो ऑब्वियसली डेल्टा ऑफ f प्लस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2 एंड डेल्टा ऑफ x2 एट x2, तो इसलिए कंबाइन करके ना मैंने इसे किस पे लिख दिया, एट x2 माइनस फंक्शन की वैल्यू किस पर होगी, x1 पर, एंड डेल्टा ऑफ x1 एट x1, तो इसलिए कंबाइन करके लिख दिया एफ ऑफ x वाई वाई डैश एंड डेल्टा ऑफ x1 एट x1 दैट विल बी इक्वल टू 0. बट यू नो दैट व्हेन वी विल टेक द वेरिएशन ऑफ द फंक्शन, सो हम वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फिक्स लेकर चलते थे. जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स होगा तो दैट मीन्स x1 मेरा फिक्स है, x1 फिक्स है, तो यहाँ पर डेल्टा ऑफ x1 क्या होगा, मेरा 0 होगा. एफ डेल्टा ऑफ x1 इज 0, सो यू से दैट कि जो ये मेरा सेकेंड पार्ट है, आई मीन द थर्ड टर्म,
that will be eliminated. तो हमारे पास क्या बचेगा केवल only this term and this term. So we write this one as first integral x into x2 delta of f plus f into delta x2 at x2 will be equal to 0. अगर आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं सेपरेट आई कैन से दैट के f at x2 एंड डेल्टा ऑफ x2 ओके एट x2 वो हमारा x2 ही रहेगा ओके सो आई रीरेड द कंडीशन अगेन डेल्टा ऑफ f यू कैन राइट इट एज कर्ल f बाय कर्ल x इनटू डेल्टा x प्लस कर्ल f बाय कर्ल y इनटू डेल्टा y प्लस कर्ल f बाय कर्ल y डैश इनटू डेल्टा y डैश लेकिन हमारा x फिक्स था तो डेल्टा x 0 हो गया इसलिए फर्स्ट टर्म यहां पे एलिमिनेट हो चुके तो इसलिए सेकंड और थर्ड टर्म लिखिए केवल यहां पर ओके एंड प्लस दिस थिंग विल बी इक्वल टू 0 इसको इंडिविजुअल कर दीजिए इंटीग्रल आई टेक द सेपरेट इंटीग्रल फ्रॉम दिस एंड दिस अब इसको हम ओपन कर लेते हैं बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यू नो दैट जैसे हम पिछली थ्योरम्स में करते हुए आए जस्ट वी ओपन द सेकंड टर्म सो जस्ट फर्स्ट टर्म विल बी एज इट इज एंड ओपन द सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड प्लस द रिमेनिंग टर्म इज एज इट इज हियर ओके एंड दैट विल बी एज इट इज सो वैल्यू ऑफ दिस at x2 minus value of this at x1 लेकिन आपको पता है y मेरा क्या है फिक्स है y की वैल्यू क्या है हमारी a है तो अगर मैं डेल्टा ऑफ y निकाल लूंगा एट x1 वो हमारा क्या हो जाएगा 0 ओके सो यू से दैट मतलब y x1 पर मेरा क्या है a है तो डेल्टा ऑफ y एट x1 वो मेरा 0 हो जाएगा तो इसलिए केवल x2 वाली वैल्यू लिखी हमने यहाँ पर एंड माइनस रिमेनिंग इंटीग्रल एंड माइनस रिमेनिंग टर्म ओके नाउ इफ वी चेंज हमारा वाई एक्स एक्स टू पर निकालने के लिए क्या ले रहे हैं हम वाई एक्स विल बी इक्वल टू जी एक्स ओके सो यू आर सेइंग दैट कि अगर मेरा वाई एक्स है जी एक्स के इक्वल सो अगर मैं एक्स में करस्पॉन्डिंग चेंज करता हूँ डेल्टा एक्स टू सो वाई में चेंज हो जाएगा वाई प्लस एप्सिलॉन ईटा ओके तो वी आर राइटिंग दैट व्हेन जी इज चेंजिंग टू एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स टू then it will be y of x2 plus delta x2 plus epsilon eta x2 plus delta x2 और हम function क्या लेके चल रहे थे y of x will be equal to gx यानी के y x2 किसके equal होगा gx2 के equal होगा I write down this thing y of x2 will be equal to gx2 okay if we subtract these two terms अगर मैं इन दोनों का आपस में subtract करता हूँ so by subtracting we can write this term like this this minus this ओके नाउ यू ओपन इट बाय यूजिंग द टेलर एक्सपेंशन इसे भी ओपन कर दीजिए इसे भी ओपन कर दीजिए एंड इस टर्म को भी ओपन कर दीजिए सो आई दी राइट दिस टर्म वाई एट एक्स टू प्लस ये एक तरह से एस सपोज कर दीजिए वाई ऑफ एक्स प्लस एच इन टू वाई डैस एट एक्स टू प्लस एस स्क्र वाई फैक्टोरियल टू वाई डबल डैस एट एक्स टू एंड सो ऑन ओके सो डेल्टा ऑफ एक्स टू को हम एच के तरीके से लिख के ये ओपन कर देंगे प्लस एप्सिलॉन इसको भी ओपन कर दीजिए टेलर एक्सपेंशन से सो ये भी हमने टेलर एक्सपेंशन से ओपन कर दिया माइनस वाई एक्स टू एज इट इज है इसको भी टेलर एक्सपेंशन से ओपन करेंगे हमारा डेल्टा एक्स टू एक तरह से एच के तरीके से बिहेव कर रहा है सो वी ओपन दिस टर्म लाइक दिस ओके सो वाई एट एक्स टू दिस टर्म विल बी कैंसिल आउट सो रिमेनिंग टर्म विल बी दिस वन और बाकी जो स्क्वायर वाली टर्म थी नो नीड टू राइट दैट एंड एप्सिलॉन ऑफ दिस टर्म वी राइट दिस टर्म ओके एंड सो अगर मैं इसमें लीनियर टर्म कलेक्ट करता हूँ इट विल बी डेल्टा ऑफ दिस प्लस दिस एंड विल दिस और बाकी रिमेनिंग को मैं हाइब्रिड टर्म्स में इंक्लूड कर लेता हूँ ओके सो डेल्टा ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या आएगी मतलब हम लीनियर टर्म कंसिडर कर रहे हैं लीनियर टर्म कंसिडर कर रहे हैं तो डेल्टा ऑफ एक्स टू के लीनियर टर्म हम किससे डिनोट करेंगे डेल्टा ऑफ एक्स टू जो था उसके लीनियर टर्म को मैं किससे कन्वर्ट करूँगा लीनियर टर्म को डेल्टा स्मॉल डेल्टा ऑफ एक्स टू से ओके सो स्मॉल डेल्टा ऑफ एक्स टू आपका आ जाएगा आपका एप्सिलॉन ईटा एक्स टू डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स टू माइनस वाई डैश एक्स टू ओके बाई नेगलेक्टिंग द हाई ऑर्डर टर्म्स सो लीनियर टर्म हमारी ये बन जाएगी ओके सो डेल्टा एक्स टू हमारा लीनियर पार्ट हो जाएगा डेल्टा एक्स टू का सो वी राइट इज सेम कि डेल्टा ऑफ एक्स टू एट एप्सिलॉन ईटा एक्स टू डिवाइडेड बाई जी डैश एक्स टू माइनस वाई डैश एक्स टू ओके सो अब हमने जो ऊपर इक्वेशन सोल्व की थी वहाँ पर हमारे पास सेकेंड टर्म थी उसमें डेल्टा ऑफ एक्स टू की वैल्यू हमें नीड रिक्वायर्ड थी ओके ओवर हियर यू कैन चेक दैट कि हमारे यहाँ पर डेल्टा ऑफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ पर चाहिए ये इक्वेशन नंबर थ्री थी जो तो जो हमने वैल्यू वहाँ पर नीचे निकाली है उसको बस मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा सो आई जस्ट प्लेस द वैल्यू ओवर देयर इन द थ्री सो व्हेन आई पुट बैक इन थ्री सो वी विल गेट दिस इक्वेशन
उन दोनों टर्म को कलेक्ट कर लिया, जो हमारी x1 से x2 डेल्टा ऑफ y कॉमन था जिसमें, तो ये आगे कलेक्ट करके एक सेकंड टर्म थी वो हमारी ये थी, और जो लास्ट टर्म थी उसमें हमने डेल्टा ऑफ x2 की जगह वैल्यू प्लेस कर दी है। ओके, नाउ व्हेन आई ओपन दैट, इसको रीराइट करके हम ये भी कह सकते हैं कि आई एंटर डाउन दिस टर्म एट, ये x2 पर वैल्यू है हमारी डेल्टा ऑफ x2, आई एम राइटिंग दिस टर्म। अब ये एप्सिलॉन ऑफ x2, जब हम वेरिएशन ऑफ फंक्शन की बात कर रहे थे, जब y को y प्लस एप्सिलॉन ईटा में चेंज करते थे, तो डेल्टा ऑफ y वाज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ ईटा, तो एप्सिलॉन ईटा को मैं किससे चेंज कर सकता हूँ, डेल्टा ऑफ y, लेकिन डेल्टा ऑफ y किस पर, x2 पॉइंट पर, सो आई राइट डाउन दैट एप्सिलॉन ईटा की जगह हमने लिख दिया डेल्टा ऑफ y एट x2। हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, तो आप पिछले लेक्चर से चेक कर सकते हो जाके, वेरिएशन ऑफ फंक्शन में जब हमने किया था तब उसमें एप्सिलॉन ईटा की वैल्यू क्या थी, डेल्टा ऑफ y, एंड एप्सिलॉन ईटा डैश की वैल्यू क्या थी, डेल्टा ऑफ y डैश। ओके, सो फ्रॉम देयर आई राइट डाउन दिस थिंग। नाउ जब इस टर्म्स को हमने रीराइट किया, नाउ आफ्टर रीराइटिंग दिस टर्म्स यू कैन चेक y एट x2 एंड दिस टर्म्स वी राइट डाउन इन दिस फॉर्म। ओके, नाउ बस रीराइट करना हमने कलेक्ट करना टर्म्स को, सो हमारा फर्स्ट इंटीग्रल विल बी एज इट इज ओवर देयर, एंड व्हाट विल बी द रिमेनिंग टर्म, रिमेनिंग टर्म विल बी कर्ल f बाय कर्ल y डैश, इसमें भी हमारा डेल्टा y एट x2, यानी कि डेल्टा ऑफ y x2 हमारा कॉमन है, तो डेल्टा ऑफ y x2 हमने कॉमन ले लिया। ओके, तो हमारे यहाँ पर क्या बचेगा, f कर्ल f बाय कर्ल y डैश प्लस f इंटू दिस। ओके, तो यानी कि क्या आ जाएगा, f डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन आ चुका है बाहर, सो f बाय दिस थिंग। ओके, नाउ डेल्टा y हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी है, इफ डेल्टा y इज आर्बिट्रेरी, सो यू कैन से दैट दिस प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, सो यू कैन चेक now our star will be hold when individually this star identity will be hold if this term and this term will be equal to zero. Okay, but you know that delta of y is arbitrary and delta of y at x2 obviously that will be arbitrary, if this is arbitrary so individually that will be equal to zero and that will be equal to zero. Okay, so we are writing these terms over there, this will be equal to 0 and this will be equal to 0, right, and isi ko rearrange karke main keh sakta hu f plus g dash minus y dash plus f by y dash at x2 equal to 0, to ye to aapke ho gayi iski corresponding euler equation, aur is condition ko hum kya bolenge, transversality condition. Okay, so in that case jahan par ek point mera fix ho, another point variable ho, to uske liye y को उस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज करने के लिए हमारे पास क्या नेसेसरी कंडीशंस होगी, कि दैट शुड सेटिस्फाई द आइलर कंडीशन, आई मीन आइलर इक्वेशन, एंड अनदर वन इज दैट शुड सेटिस्फाई द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो यू गॉट नाउ, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट we will talk about one example over here. So example is given here, you have to find out the shortest distance ka find out karna apne, ek fixed point aapka x1 y1 se lekar ek curve hai aapka y mx plus b. Okay, to kehne ka meaning hai yahan par ek point to aapka fix hai, in general agar aap ek imagine karte ho figure, तो यहाँ पे कोई भी कर्व है, वैसे एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी है, तो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर हमने इसका कोई हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाउंड आउट करना है, मतलब वो कर्व फाइंड आउट करना है जहाँ से इस फिक्स पॉइंट से लेकर इस कर्व के बीच में हमारे जो कर्व है, तो अगर मैं उस कर्व की लेंथ फाइंड आउट करूँ तो वो शॉर्टेस्ट आए, तो इस तरीके से हमारा ये कर्व एक तरह से इमेजिन कर सकते हो आप। ओके, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो आप, कि यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई वाई एक्स वन टू एक्स टू ऑफ वन प्लस वाई डैश, कहने का मीनिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड आउट ना, सो दैट मीन्स यू हैव टू एक्सट्रीमाइज
x1 to x2 ds. So ds will be equal to 1 plus y dash square dx. Okay, हम कई बार ऑलरेडी कर चुके हैं, सो हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब तो y एट x1, इस x1 पर वैल्यू क्या है मेरी, x1 पर वैल्यू दी हुई है y1, लेकिन जो x2 है पॉइंट वो इस कर्व के अलोंग लाई कर रहा है, इसे हम gx बोल सकते हैं mx+b को। ओके, सो वो इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, सो इट विल बी y एट mx+b, ये हमारा gx है, तो यानी कि y ऑफ x2 क्या होगा, हमारा mx2+b होगा। ओके, तो उसको एक्सट्रीमाइज करने के लिए हमारे पास क्या है कि वो या तो आयलर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा और एक हमारी ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। सो यू विल टेक दैट, इसके करस्पॉन्डिंग आयलर इक्वेशन क्या हो जाएगी ये, तो हमारे पास f क्या था, 1 + y² √, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं थर्ड में। तो थर्ड पर प्लेस करने के बाद यू विल गेट दिस थिंग, इसको सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग दिस वन। इसी को रीराइट करके जस्ट सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद y डैश की वैल्यू आ गई आपके पास a। व्हेन y डैश इज a, जस्ट टेक द इंटीग्रेशन, इट विल बी y इक्वल टू ax+b। ओके, तो मेन थिंग क्या है, हमारा अननोन फंक्शन एक तरह से आ चुका है y इक्वल टू ax+b, बट व्हाट इज अननोन हियर, a और b हमने फाइंड आउट करना है। a और b को फाइंड आउट करने के लिए एक तो कंडीशन मेरे पास है कि x1 पर वैल्यू हमारी क्या है, y1, बट अनदर को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बाई यूजिंग द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन। तो यूजिंग द ट्रांसवर्सलिटी कंडीशन व्हाट इज दैट, f+g′-yz, y′ कर्ल f बाई कर्ल y′ एट x2 इज इक्वल टू 0। सो यू आर यूजिंग दिस, हमारे पास gx क्या है, गिवन है वो mx+b, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, f+y′-g′, y′ की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और g′-y′, तो g′ की वैल्यू तो आ गया आपकी m, और y′ की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू, ओके, y′√1+y² क्या एट x2 विल बी इक्वल टू 0। वैल्यू प्लेस करने के बाद इसी को सोल्व कर लीजिए आप, जब वैन यू सोल्व एट x2 देन यू विल गेट दिस थिंग। इसको सिंप्लीफाई राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करके यू कैन से दैट कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो बाई यूजिंग दिस वन एंड दिस वन यू आर गेटिंग वैल्यू ऑफ a विल बी -1/m। ओके, a की वैल्यू -1/m आ चुकी है, और एक फिक्स पॉइंट पर हमारी वैल्यू x1 पर y1 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या थी, ax+b, वहाँ पर अगर मैं x1 यूज करता हूँ तो ax1+b किसके इक्वल हो जाएगा, y1 के इक्वल, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू है, a की वैल्यू प्लेस करो वहाँ से हमारी b की वैल्यू आ गई सोल्व करके, सो b की वैल्यू आपकी ये आ गई है। ओके, तो a और b की वैल्यू वहाँ पर प्लेस कर दी, जो हमारा अननोन फंक्शन था y, तो a और b की वैल्यू जब हमने प्लेस की तो हमारे पास y आ गई है। इसी को रीअरेंज करके यू कैन से दैट दिस वन। सो ये हमारा वो अननोन फंक्शन है जो किसी एक फिक्स पॉइंट से लेकर जो हमारे पास गिवन कर्व है उसके बीच में जो हमारा अननोन कर्व हमने फाइंड आउट किया है, दिस इज दिस वन। ओके, जिसके अगर मैं लेंथ फाइंड आउट करता हूँ, सो दैट विल बी द मिनिमम अमंग ऑल द कर्व फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू द ऑल कर्व्स ओवर द गिवन कर्व्स। ओके, सो इन दिस वे वी कंप्लीट आवर दिस लेक्चर, नेक्स्ट थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।